नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच बेहतरीन शेयर जिसमें आप हर गिरावट में निवेश कर सकते हैं। हम स्टॉक्स को टेक्निकल चार्ट पर कंप्लीट रूप से डिस्कस करेंगे, किस ब्रेकआउट पर किस लेवल पर आपको इन्वेस्ट करना है। देखिए, पहला जो स्टॉक है जिसमें आपको इन्वेस्ट करके चलना चाहिए वो SRF। किसी भी गिरावट में आप इसको बाय कर सकते हैं, जहां पे भी गिरावट के बाद रिवर्सल दिखे। देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए अगर चार्ट को देख करके आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वीकली चार्ट का यूज करना है। जैसे देखिए, यहाँ पर गिरावट हुआ, गिरावट के बाद जैसे यहाँ पर मार्केट साइडवेज हुआ और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न मिलता। उसी प्रकार अभी जो मार्केट में गिरावट हुआ है उसके साथ इस स्टॉक में भी गिरावट हुआ है और यहाँ पर देखिए ये बाउंस बैक करने का तैयारी कर रहा है, ये स्टॉक ऊपर जाने का फिर से तैयारी है। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बना है ये हमें बता रहा है कि करंट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है जैसे 50% क्वांटिटी बाय कर लेंगे, अगर इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे जो कि है 2070 रुपीज का, अगर इसको ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस लेंगे, अगर ऊपर जाता है मतलब आपके फेवर में जाता है तो आप क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो SRF काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। देखिए, ये एक मिड कैप साइज का स्टॉक है, 68,000 करोड़ का मार्केट कैप है, प्रमोट सोल्डिंग 50.7% है, कोई भी शेयर प्लीज नहीं है, तो काफ़ी बेहतरीन ये शेयर है। आप इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। डेट इक्विटी काफ़ी कम है, 0.43 है। जब डेट इक्विटी 1 से ज़्यादा होता है तब हम उस स्टॉक में अवॉइड करते हैं अपना इन्वेस्टिंग। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है वो है पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। देखिए, टेक्निकल चार्ट पे भी स्टॉक काफ़ी सॉलिड है। सारे स्टॉक जो फंडामेंटली काफ़ी वीक थे वो काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं, लेकिन फंडामेंटली ये स्टॉक काफ़ी सॉलिड है और यह देखिए एक कंसोलिडेशन जोन में है, कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए, इस स्टॉक को आप गिरावट में बाय कर सकते हैं, लेकिन गिरावट में जब भी बाय करेंगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको रखना है 2040 रुपये का। इसके नीचे अगर ये स्टॉक निकलता है तो आपको बाय नहीं करना है। इसके ऊपर ही स्टॉक जैसे रिवर्सल दिखाएगा तो वहाँ आप बाय करेंगे और यहाँ पर जो है जैसे आपके फेवर में जाता है तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये स्टॉक भी काफ़ी बेहतरीन है, चार्ट पे अभी भी काफ़ी सॉलिड है ये स्टॉक्स। पॉलीकैब भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है और यहाँ पर बात करें तो डेट इक्विटी काफ़ी कम है, 0.02, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। फिर अगला कंपनी है टाटा एलेक्सी, ये तो काफ़ी बेहतरीन है। अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखिए ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किए जब तक इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं करता है तब तक ये बेयरिश नहीं होगा। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक बेयरिश हो जाएगा। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो जैसे गिरावट होता है रिवर्सल दिखाता है आप बाय करके चल सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन जो है इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो फिर आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। वहीं टाटा एलेक्सी की बात करें तो टाटा एलेक्सी काफी जबरदस्त यहाँ पर स्टॉक है, 49,000 करोड़ का मार्केट कैप है, प्रमोट 44.1%, कोई शेयर प्लेज नहीं है, डेट टू इक्विटी देखिए काफी कम है, 0.09, काफी कम डेट टू इक्विटी है यहाँ पर। उसके बाद अगला है डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक रन किया था और यहाँ पर काफ़ी अच्छा करेक्शन पे ये स्टॉक मिल रहा है। तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद आप बाय करें तो ज़्यादा बेटर होगा और वहीं पर स्टॉप लॉस जो रखना है इसका जो यहाँ पर सपोर्ट है इसके नीचे जो कि 3250 रुपया, इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने पर आपको बाय करना है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है। मार्केट कैप की बात करें तो 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, प्रमोटर्स होल्डिंग 34.3% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट इक्विटी भी काफ़ी कम है, 0.47 का मात्र डेट इक्विटी है। उसके बाद अगला जो स्टॉक है जिसको आप बाय कर सकते हैं किसी भी गिरावट में वो है हैप्पीएस्ट माइंड। देखिए, किसी भी गिरावट में तो आप बाय कर सकते हैं लेकिन ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने पर अगर आप बाय करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये ट्रेंड लाइन है, इसके ब्रेकआउट होने पर अगर आप बाय करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। और अगर अभी यही इसी प्राइस से ये इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको रखना है 790 रुपये के नीचे। देखिए, स्टॉप लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लेना है ये काफ़ी नेसेसरी होता है। फिर आपके फेवर में गया तो आप जितना चाहें उतना लंबा होल्ड करके चल सकते हैं। अगर हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो ये भी कंपनी का मार्केट कैप जो है मात्र 12,000 करोड़ का है, तो काफ़ी छोटी कंपनी है लेकिन अच्छी है, वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, अपने बिजनेस में भी काफ़ी वेल एस्टेब्लिश है, प्रमोटर्स होल्डिंग 53.3% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट इक्विटी काफ़ी कम है, 0.37 का मात्र डेट इक्विटी है, मतलब इक्विटी के कंपनी में डेट काफ़ी कम है कंपनी के ऊपर। तो ये पांच बेहतरीन कंपनियां हैं जिसमें आप गिरावट में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं और सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मैंने डिस्कस किया वीकली चार्ट पर। तो इन्वेस्टमेंट के लिए और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए दोनों के लिए स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक में इन्वेस्ट करते रहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।